हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। वीडियो का थंबनेल देखकर ही आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किस सब्जेक्ट पर या किस बात पे ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये न्यूज़ से लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें जो हैं काफ़ी चल रहा है तेज़ी से, और कि संदीप रेड्डी वांगा और सलमान खान एक साथ हाथ मिलाकर एक फिल्म मूवी में काम करने जा रहे हैं। और इसलिए वायरल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सलमान खान अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, और उनकी मूवी आती है लोग उनके फैंस ऐसे काफ़ी इंतज़ार करते हैं, और आज के टाइम में संदीप रेड्डी वांगा के मूवी का भी इंतज़ार लोग वैसे ही करते हैं जैसे कि बड़े बड़े सुपरस्टार के मूवी का लोग इंतज़ार करते हैं। क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने अपने तीन पिक्चरों में जो उन्होंने अपने तीन पिक्चर बनाई थी, जैसे अर्जुन रेड्डी हो गया या कबीर सिंह और तीसरा एनिमल, उन तीन पिक्चरों उसने ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो, और उनकी मूवी का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। या वो न्यूज़ में कोई भी अगर बात बोलते हैं तो वो न्यूज़ में बन जाता है या वायरल हो जाता है कि एनिमल पार्क कब आ रही है, उनकी मूवी जो बना रहे हैं वो स्पीड है प्रभास के साथ, उसका क्या किस जगह पे है, किस स्टेज पे है। तो आज के टाइम में संदीप रेड्डी वांगा एक मतलब बोल सकते हैं क्यूरियोसिटी है लोगों का, जिज्ञासा है उनके पिक्चर के बारे में जानने। और सलमान खान, अगर दो लोगों को एक साथ आने का कहीं से भी न्यूज़ आ जाए तो अपने आप में ये न्यूज़ जो आग की तरह फैल जाती है, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा आप लोगों का भी मानना है। इसी वीडियो पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल आपके भाई रणधीर सेंगर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मौका मिलता है मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ, और उस वो कमेंट आपका मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत मोटिवेट करता है मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो जरूर कमेंट जरूर करें आप। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कि सलमान खान, अभी उनकी टाइगर 3 आई थी, अब ये एक अच्छी बोल सकते हैं कि पिक्चर चली, लेकिन उस तरह से नहीं चली जिस तरह से मान लिया। आप किसी मूवी की तुलना अगर उस समय के पहले कि जो मूवी आई है और जो 1000 करोड़ का बिजनेस किया उससे तुलना करेंगे तो ऑब्वियसली आपको टाइगर 3 का जो कलेक्शन है वो उस तरह नहीं दिखेगा आपको। लेकिन अगर बताया जाए कि अगर मूवी की कलेक्शन जो है बॉक्स ऑफिस पे अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा किया है, तो कोई छोटी बात है नहीं। चूँकि जवान और पठान हो गया या एनिमल हो गया या अगर गदर 2 देख लें, अगर उससे आप तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मूवी उससे पीछे दिखेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी नहीं चली। जैसे डंकी है, अगर शाहरुख खान की मूवी की ही तुलना कर ले तो शाहरुख खान की बाकी मूवी जो 2023 में 2 पिक्चरें आई उससे उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी चली मूवी, हिट है मूवी। तो इस तरह सलमान खान का ये टाइगर 3 है। उसके बाद वह ये खबर आया कि जो करण जौहर हैं वो सलमान खान से 30 साल के बाद उन्होंने हाथ मिलाया और वो मूवी बनाने जा द बुल। अब ये मूवी आ रही थी कि वो ठंडे बस्ते में चली गई शायद, अब पता नहीं कितना खबर है, क्योंकि मालदीव के साथ भारत के रिश्ते जो खराब हो गए तो इसलिए वो मूवी जो है अभी रुक गई है। इसका मतलब नहीं है कि ठंडे बस्ते में, कई लोग बोल रहे हैं ठंडे बस्ते में चली गई, डिब्बा बंद हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि चूँकि कहानी जो है मालदीव बेस है कि वो 1988 में जब उनके राष्ट्रपति थे उनको बचाने के लिए भारतीय सेना ने जो वहाँ पे एक सैनिक अभियान किया था उसके ऊपर पूरा बेस है मूवी, और उसमें आर्मी का के जो लीडर है उसमें सलमान खान का किरदार है। तो इसलिए वो कहानी में थोड़ा थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं या थोड़े दिन के लिए वेट कर सकते हैं, ये तो समय आने के बाद बताएगा। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पर जिसको मैंने थंबनेल में डाला था कि जो संदीप रेड्डी वांगा है, ये खबर आ रहा है कि उन्होंने सलमान खान के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया और एक मूवी करने जा रहे हैं। क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा जो है हमेशा अल्फा मेल, आपने देखा होगा जो भी अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह या एक एनिमल मूवी जो आई उसमें भी उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया है अल्फा मेल के कैरेक्टर को, और सलमान खान तो अल्फा मेल तो खुद ही हैं, मतलब
मतलब आप जैसे अल्फा मेन उनका विजन है संदीप रेड्डी मांगा को, वो रियल लाइफ में अल्फा मेन है उनके। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि जो रूमर आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज एजेंसी इसको छाप रही है, तो बोलते हैं ना कि बिना धुआं का आग नहीं निकलता, या आग से धुआं नहीं निकलता, जो भी आपको सुटेबल हो वो ले लीजिए। तो इतने बड़े बड़े अगर न्यूज एजेंसी अगर ये चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात होगी, क्योंकि उनकी पकड़ होती है अंदर तक, वो बात करते हैं। ये मैंने भी कहीं संदीप रेड्डी, मुझे याद नहीं आ रहा कि संदीप रेड्डी का मांगा का कहीं पे मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा था कि वो सलमान खान के साथ वो मूवी करना चाहते हैं। अब मैं ढूंढ के देखता हूँ, कहीं मिल जाएगा तो मैं उसको आपके अपने डिस्प्ले में लगाऊंगा, मिल जाता है तो। लेकिन ये न्यूज में आप जाएंगे तो काफी चल रहा है, तो ये अभी ऑफिशियल कहीं अनाउंसमेंट नहीं है इसका, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। हाँ, न्यूज में चल रहा है, लेकिन ये मूवी इसलिए इसको और मेरे को जानना है क्योंकि देखिए सलमान खान का कैरेक्टर जो मूवी करते हैं और संदीप रेड्डी वांगा का मूवी बनाने का स्टाइल, दोनों में मतलब काफी अंतर है। ठीक है, सलमान खान भी एक्शन मूवी में काम करते हैं, वो भी एक्शन बनाते हैं, लेकिन दो तीन चीज है जो सलमान खान बिल्कुल नहीं करते। एक, उनके मूवी में किस भी नहीं होता। आप देखो कोई भी मूवी, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कोई ऐसे मूवी होगी जिसमें सलमान की खान की किसिंग सीन हो। दूसरा कि वो उनके मूवी में एक्शन होता है लेकिन वैसे जो खून खराबा नहीं होता, जैसे खून गिर रहा है, गला रहता जा रहा है, इस तरह का मैंने कोई कैरेक्टर नहीं देखा है। आप तेरे नाम देखिएगा तो तेरे नाम में के मतलब यही आ रहा कि तेरे नाम के कैरेक्टर को आगे बढ़ाना चाहते, जो राधे का कैरेक्टर सलमान खान ने किया था। अब वो मूवी है वैसे ही, लेकिन उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और सलमान खान की कोई भी मूवी आप फैमिली के साथ बैठ के देख, आपको सोचना नहीं होगा कि मतलब मैं बैठा हूँ कोई सीन ऐसा आ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि सलमान खान ही एक ऐसा एक्टर है जिनकी मूवी आप किसी के साथ, और एक थी सनी पाजी है कि आप इन लोगों की मूवी आप किसी के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। बाकी आप जितने भी एक्टर हैं उनके अभी कंटेम्प्रेरी, चाहे अक्षय कुमार हों, चाहे शाहरुख खान हों, चाहे आमिर खान हों, चाहे रणबीर कपूर हों, किसी को भी आप ले लीजिए, उनकी मूवी आप अकेले मतलब देख बैठ के देख सकते हैं, और फैमिली के साथ आपको एक बना रहेगा कि पता नहीं मूवी में क्या आ जाएगा। तो अब ये मूवी एक देखने वाली बात होगी कि अगर दोनों आदमी हाथ जोड़ के एक साथ मूवी बनाते हैं तो कोई सलमान खान छोटे स्टार नहीं है कि संदीप रेड्डी वांगा की वजह से वो अपने जो मतलब जिस तरह की मूवी करते हैं उसमें चेंज हो जाए उनका कैरेक्टर, वो भी एक हद तक चेंज हो सकते हैं। और संदीप रेड्डी मांगा का भी ये स्टाइल ऑफ मेकिंग है, उनको भी अपना चेंज करना पड़ेगा अगर वो सलमान खान के साथ मूवी बनाना चाहते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा अगर दोनों आदमी साथ में आकर अगर काम करें या मूवी बनाए तो। लेकिन दोनों आदमी को अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, और ये चूंकि ये मीडिया में बहुत वायरल हो रहा था कि दोनों अपने टाइम के, आज के टाइम में संदीप रेड्डी मांगा बहुत क्यूरियोसिटी का विषय है, और सलमान खान तो शुरू से रहे, काफ़ी टाइम से रहे, काफ़ी उनको मतलब मूवी बोल सकते कि वो 100 करोड़ का जब टाइम था कि 100 करोड़ के कितने बिजनेस मूवी करते, तो उसमें सलमान खान टॉप पे है। तो इस तरह से सलमान खान की मूवी, और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि सलमान खान और जब संदीप रेड्डी वांगा का सही में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो तो आखिर उसकी कहानी क्या होगी, मूवी का बेस क्या होगा, किस तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा, वो आइडिया लग जाएगा। तो मेरा भी क्यूरियोसिटी है कि देखते हैं कि इस पर क्या कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि नहीं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि वो न्यूज़ में घूम रहा है। मैंने काफ़ी पता किया आपने जो भी मेरे जानने वाले हैं कि ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ऑफिशियल कोई न्यूज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल या मीडिया जो एजेंसी है वो लोग इसको खबर को तवज्जो दे रहे हैं, चाहे पिंक व्हीला हो गया, बॉलीवुड लाइफ हो गया, इसमें आ चुका है। तो इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।